प्रेरित के काम छठा अध्याय। पांचवें अध्याय के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार हनन्याह और सफीरा को परमेश्वर ने तुरंत दंड दिया उनके लालच के कारण, और इसकी वजह से कलीसिया में और जितने लोग इस खबर को सुन रहे थे उनमें बड़ा भय छा गया। उसके बाद हमने देखा चिन्ह और अद्भुत काम कैसे प्रेरितों के हाथ से निरंतर होते जा रहे थे, और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कार और उसके शिष्यों के द्वारा किए गए चमत्कारों में समानता थी। जब काम बढ़ने लगा, जब ख्याति बढ़ने लगी, जब लोग प्रभु में आने लगे, चंगाइयां होने लगी, तो उसका एक नतीजा ये था कि प्रेरितों की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के विषय में हमने पिछले अध्याय में सीखा कि किस प्रकार उनको जब महासभा के सामने लाया गया, उन्होंने हियाव के साथ उनको जवाब दिया कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। और उसके बाद हमने गमालियल के वृतांत को देखा कि किस प्रकार उसने महासभा को ये विवश किया कि इन प्रेरितों को छोड़ दिया जाए। छोड़ने से पहले उन्हें पीटा गया और पीटने के पश्चात वो रोते हुए नहीं, वचन में लिखा है, आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में दुख उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब छठे अध्याय के अंदर हम आते और पहले कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और इसके बाद मिलकर अपन कुछ बातों को और भी देखेंगे और सीखेंगे। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाएं में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, जब लूका चेले शब्द का इस्तेमाल करता है तो अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग अर्थ लेकर उसको प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय के अंदर वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों के विषय में या चेलों के विषय में बात करेगा। उसके बाद 6 अध्याय के अंदर वो कहेगा कि किस प्रकार भीड़ यानी कि भारी संख्या में लोग यीशु के पीछे चल रहे थे। लेकिन आते आते लूका 9 के अंदर वो उस 12 के झुंड को बताते हुए कहेगा कि किस प्रकार शिष्य लोग प्रभु यीशु की करीबी में आ रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य, उसके बाद बड़ी भीड़ जो यीशु के पीछे चल रही थी, उसके लिए भी लूका शिष्य शब्द का इस्तेमाल करता है या चेले शब्द का इस्तेमाल करता है। और फिर जो जो समूह जो यीशु के करीब था, उसके आज्ञाकारी था, उसके शिक्षाओं को सुनना और सीखना चाहता था, उसके लिए भी लूका चेला शब्द का इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ पर 6 अध्याय की पहली आयत में हम उन दिनों में जब चेलों की संख्या, यानी कि यहाँ पर जब चेले शब्द का इस्तेमाल लूका कर रहा है तो उन लोगों को वो अंकित कर रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, स्वीकार किया और कलीसिया के भाग हो गए। आगे चलते हैं कि संख्या बहुत बढ़ने लगी। हमने दूसरे अध्याय के अंतिम भाग में भी देखा कि किस प्रकार कलीसिया बढ़ रही थी। 5 अध्याय के अंत में भी हमने देखा कि किस प्रकार कलीसिया बढ़ रही थी। अब 6 अध्याय के पहले भाग में फिर से लूका ये मुझे और आपको याद दिलाएगा कि किस प्रकार कलीसिया बढ़ रही थी, और ये भी याद दिलाएगा कि क्यों बढ़ रही थी और बढ़ती हुई कलीसिया का एक और प्रभाव क्या हुआ वो हमें बताएगा। मैंने आपको पिछले अध्याय में याद दिलाया था, जब बाहर से शैतान विरोध के द्वारा कलीसिया को दबा नहीं सका तो उसने अंदर प्रवेश करके कलीसिया को तबाह करने का, उसको बर्बाद करने का प्रयास किया। और हम देखते हैं 5वें अध्याय के अंदर हनन्याह और सफीरा का इस्तेमाल वो करता है, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप के द्वारा वो कार्य वहीं समाप्त हो जाता है। अब 6 अध्याय में आप देखेंगे यहाँ पर यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी और इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी दो झुंड आपको देखने को मिलते हैं। जो यरूशलेम में पहले से रह रहे थे वे लोग इब्रानी भाषा को निरंतर बोलते थे, लेकिन जो बाहर से आकर रह रहे थे यानी कि वे यहूदी जो दूर देशों में बिखर गए थे लेकिन अब लौट कर आए थे, वे इब्रानी भाषा नहीं बोलते थे, वे लोग उनकी भाषा यानी कि यूनानी भाषा बोलते थे। ओके, तो जब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर दो झुंड हैं, और दो झुंड में क्या हुआ, अंदर से कलह उत्पन्न हो रहा है। तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी लोग और दूसरे झुंड यानी कि इब्रानी भाषा बोलने वालों के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती।
यहूदी मत के अंदर विधवाओं की चिंता करना, उनके लिए प्रबंध करना एक उत्तम कार्य माना जाता था और इन प्रारंभिक विश्वासियों ने इस कार्य को जारी रखा। और जब वे लिखा है प्रतिदिन की सेवकाएं, निरंतर वे लोग इस कार्य को कर रहे थे, विधवाओं को भोजन खिलाने के कार्य के विषय में लुका हमको याद दिला रहा है। और वह कहता है कि यहाँ पर एक आरोप लगने लगा, किसके ऊपर? अगुओं के ऊपर, प्रेरितों के ऊपर ये आरोप लगने लगा कि वे लोग प्रतिदिन की सेवकाएं में यूनानी भाषा बोलने वाले विधवाएं और इब्रानी भाषा बोलने वाले विधवाओं के बीच में भेद कर रहे थे या कि उनके बीच में फर्क उत्पन्न कर रहे थे। तब दो आयत में लिखा, उन बारहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, बारहों, ये शब्द यहीं पर आएगा, बारहों, बारह शिष्य, याद है आपको 11 ही थे, लेकिन पहले अध्याय के अंदर एक और को चुना गया चिट्ठी डालकर। और अब बारहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। अब प्रारंभिक कलीसिया के अंदर प्रेरित सब कुछ कर रहे थे, वो प्रार्थना भी कर रहे थे, वो सेवा भी कर रहे थे, वो वचन भी पढ़ा रहे थे और साथ ही साथ मेहमानबाजी भी कर रहे थे, विधवाओं की चिंता भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या निर्णय किया, देखिए, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें, वचन की सेवा छोड़कर, वचन छोड़कर। इसी 7 पदों में 3 बार आएगा वचन, वचन, वचन। प्रेरितों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वे वचन को समझकर, वचन को इस नए अभिषेक के अंदर रहकर नए विश्वासियों को सिखा सकें। और इसलिए जरूरी था कि वचन में ये ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि आगे लिखा है वचन के कारण ही कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। 3 आयत में लिखा है, इसलिए भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दो। सबसे पहले नियुक्ति होने जा रही है, देखिए वे लोग कहते हैं, ये 12 लोग कह रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन की सेवा करेंगे, लेकिन बाकी के काम को करने के लिए 7 आदमियों को चुनो। लेकिन उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात वहां लिखी, वहां लिखा है जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। यहां पर पैसों की बात ही नहीं आ रही, यहां पर कौन किस स्कूल में या किस घर में पैदा हुआ उसकी बात ही नहीं आ रही, कितना फेमस है उसकी बात नहीं आ रही है। 2 गुण दिए यहां पर, क्या क्या है, जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण। आज की कलीसिया को ये जरूरत है कि ये सीखे कि कलीसिया के पद में किसी की भी नियुक्ति की जाए तो ये 2 गुणों का ध्यान रखा जाए, कौन से, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए और बुद्धि से भी परिपूर्ण होना चाहिए। दोनों की जरूरत है, दोनों ईश्वरीय तोहफे हैं और उसको स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य करना बहुत ही जरूरी है। और 4 आयत में अब प्रेरित क्या कह रहे हैं, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहें। वापस आ गया वचन, प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहें। प्रारंभिक कलीसिया के लिए 2 अध्याय में लिखा है वे प्रार्थना करने में और वचन सीखने में लौलीन थे। अगर कलीसिया के लिए सच था तो कलीसिया के अगुओं के लिए भी कितना जरूरी था कि वे वचन और प्रार्थना में अपने आप को अलग करें। चलते फिरते दौड़ते भागते वचन की सेवा नहीं, परमेश्वर के चरणों पर बैठकर प्राप्त कर, जैसे पौलुस कहता है जो मुझे दिया गया है मैं तुम्हें सौंपता हूं, उसी प्रकार वे लोग कह रहे हैं मानो हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। आज के सेवक, आज की सेवकाइयां इस आयत से बहुत कुछ सीख सकती है। सेवकाई के नाम पर इतने व्यस्त हो गए लोग कि जिसकी सेवकाई कर रहे हैं उसी को वो भूल गए, मानो वो कह रहे हैं हम उसी के लिए तो कर रहे हैं, उसी के लिए तो दौड़ रहे और भाग रहे, लेकिन करते 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 जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे निर्देश न प्राप्त करते हुए अपनी मनमानी और लोगों की जरूरत और लोगों के दबाव में आकर सेवकाइयां हो रही। लेकिन 4 आयत में 12 प्रेरित क्या बोल रहे हैं, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी, सारी कलीसिया को ये बात अच्छी लगी। समस्या होना बड़ी बात नहीं, कहीं भी समस्या उठ सकती है,
लेकिन समस्या का समाधान कैसे किया जाए यह बहुत जरूरी है। लूका अलग अलग समयों पर समस्याओं को दर्शाएगा कलीसिया के अंदर, लेकिन समस्याओं पर जोर न देते हुए वे समस्याएं कैसे सुलझाई गई उस पर वो जोर देगा। तो यहां देखिए क्या लिखा, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने 7 आदमियों को चुन लिया। और पहले 2 नियम उन्होंने लगा दिए थे जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो। और ये 7 की सूची इस प्रकार है, उन्होंने स्टीफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, एक और बात उन्होंने जोड़ दी लिखने वाले लूका ने, विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। 7 नामों को अगर आप पढ़ें तो आप समझ पाएंगे कि ये यहूदी नाम नहीं लग रहे हैं, इन नामों में यूनानी परंपरा दिख रही है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये 7 वे यहूदी थे जो मूल इब्रानी भाषा न बोलकर यूनानी भाषा बोलते थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 7 की सूची आगे, लेकिन 7वें व्यक्ति के लिए एक और बात उठाकर लिखी गई, क्या है वो, अंताकिया का रहने वाला है निकलाउस, जो कि अन्य मत का था लेकिन उसने यहूदी मत को स्वीकार कर लिया। 7 की नियुक्ति हो गई। 6:6 में प्रेरितों ने इनको सामने खड़ा किया, इनको प्रार्थना करके उनकी सेवकाई सौंप। पहली सेवकाई कौन सी सौंपी गई, खाना बांटने, मंच की नहीं, माइक्रोफोन की नहीं, बड़ी दिखने वाली सेवा नहीं, लेकिन नगण्य समझी जाने वाली सेवा। परमेश्वर की नजरों में दोनों बराबर है, चाहे प्रार्थना की सेवा हो, चाहे वचन की सेवा हो, चाहे खाना बनाने की सेवा हो, चाहे खाना बांटने की सेवा हो, परमेश्वर की नजरों में सारी बातें बराबर बराबर है। एक बार और मैं कह दूं, वरदान अलग अलग हो सकते हैं, सेवा अलग अलग हो सकती है, बुलाहट अलग अलग हो सकती है, एक समय पर जिम्मेदारी अलग अलग रीति से लोगों को दी जा सकती है, लेकिन इसको देखकर इसका इनाम देने वाला बराबर बराबर परख कर आपको मेरे को इनाम प्रदान करेगा, इस बात को आप न भूलें। लेकिन 7 में क्या लिखा है देखिए, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई, मेगा शब्द है, बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। यानी कि वे याजक जो पहले विरोध कर रहे थे, परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि याजक का मत प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर इस मार्ग में आ गया और शिष्यों के साथ जुड़ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 इस प्रकार लिखा है, स्टीफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। उनकी नियुक्ति भोजन बांटने और भोजन बनाकर विधवाओं को पहुंचाने की थी, लेकिन जब थोड़े में वे विश्वास योग्य थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे बड़ी बातों का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित लोग यरूशलेम तक ही सीमित थे, उनकी सेवाएं उनकी चंगाइयां यरूशलेम के चारों तरफ ही थी, लेकिन अब इनकी जो नियुक्ति हुई है, इनके द्वारा सुसमाचार यरूशलेम के 4 दीवारी के बाहर जाएगा और वे जो कार्य यरूशलेम में हो रहा था वो बाहर इनके द्वारा पूरा होगा। तो उस सूची के अंदर सबसे पहले 8 में स्टीफनुस का नाम पढ़ते हैं और वहां लिखा है, स्टीफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सामर्थ्य 2 कंडीशन शुरुआत में थी आपको याद है, पवित्र आत्मा और बुद्धि, लेकिन नियुक्ति के समय लूका कहता है स्टीफनुस के अंदर विश्वास था। ओके, एक और एडिशनल गुण वहां पर वो जोड़ता है, लेकिन यहां पर 8 में वो लिखता है अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, खाना बांट रहा है ऐसा नहीं लिखा है, लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता।
ये कब हुआ, कैसे बदला, इसकी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप और मैं जो काम हमें दिया गया है वफादारी के साथ उसे करते रहेंगे, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई फोटो ले या ना ले, दिल लिखे या ना लिखे, अगर मैं और आप वफादारी से अपने काम को करते रहेंगे, एक पदोन्नति परमेश्वर ने मेरे लिए आपके लिए रखी हुई। और आप देखिए स्तिफनुस की कहानी आगे, स्तिफनुस अनुग्रह सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। आम वाक्य से लिखा है, वो दिखाया करता था, दैनिक जीवन में वो कार्य कर रहा था। अब नौ आयत में लिखा है, तब उस आराधनालय में से जो लिबर्टिनों की कहलाती थी और कुरैनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। लिबर्टिनों का आराधनालय क्या था ये? कई बातें इसके बारे में लोग लिखते हैं, लेकिन हम इस सारांश पर आ सकते हैं कि ये वे लोग थे जो कभी गुलाम हुआ करते थे, ऐसे यहूदी जो कभी गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आप आजाद लिबरेट कर दिए गए थे। इसलिए उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए लिबर्टिनों की कहलाती थी लोका यहाँ कहता है, ठीक है। और वहां पर आगे लिखा है कहाँ कहाँ से, कुरैनी और सिकंदरिया और किलकिया एशिया के कई लोग उठकर, यहाँ के लोग और इन जगहों के लोग जो यरूशलेम में थे, उठकर किसका विरोध करने लगे, स्तिफनुस का विरोध करने लगे। क्योंकि एक समय पर स्तिफनुस उनका था, उनके जैसे उत्तर बैठता था, बाहर से आकर यरूशलेम में आया था, लेकिन अब उसके हाथों से कार्यों को होते हुए देखकर ये जलन से भर गए। और जलन से भरने के कारण उन्होंने क्या किया, उससे वाद विवाद करने। देखिए लेकिन 10 आयत में क्या लिखा, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे स्टेफनुस बातें करता था वे सामना न कर सके। इतना अभिषेक इसके ऊपर था, इतना विश्वास इसके अंदर था, इतने अद्भुत काम इससे होते थे, इतने सामर्थ्य और अनुग्रह से स्टेफनुस भरा हुआ था कि जो इससे वाद विवाद करने आते थे वे वाद विवाद कर ही नहीं पाते थे। आपको याद होगा लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 11 आयत में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा क्या कहना चाहिए। शिक्षा जरूरी है, सीखना जरूरी है, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, अभ्यास और भी जरूरी है, लेकिन समय आने पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास है, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके पास है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है, तो आप वही कहेंगे जो वो कहता है। और जब आप उसके कहे हुए को कह डालेंगे तो लोग आपके सामने चुप हो जाएंगे और जान जाएंगे कि ये नहीं, इसके अंदर कोई है जो हमसे बात कर रहा है। स्तिफनुस की गवाही कुछ इस प्रकार की थी, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना कर न सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना। मनगढ़ंत बातों को वहां पर वो कहने लगे। प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ, झूठे आरोपों को लगाकर प्रभु यीशु मसीह को फंसाने का प्रयास वे कर रहे थे। अब स्तिफनुस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 12 आयत पर लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ाए और उसे पकड़कर महासभा में गए। सारे धार्मिक मामले महासभा में निपटते थे, सारे कानूनी मामले रोम के सामने निपटते थे। समझ रहे हैं आप लोग, सारे धार्मिक मामले महासभा निपटाते थे और जितने भी बाकी कानूनी मसले थे वो रोम निपटाता था। तो यहाँ पर देखिए वापस बार बार आ रहा है महासभा महासभा महासभा, शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ाए और इसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा, ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में भी यही बात आपको मिलेगी, मत्ती 26 के अंदर भी आपको यही बात मिलेगी कि किस प्रकार झूठे आरोप प्रभु यीशु मसीह पर लगाए गए। हालांकि उसने कुछ अलग अर्थ से इस बात को कही थी, उसकी मृत्यु की ओर संकेत करते हुए ये बात को कही थी, लेकिन लोग इसका अलग अर्थ निकाल रहे थे। 15 आयत में लिखा है, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गढ़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। दृष्टि गढ़ाई, 3 अध्याय में हमने एक शब्द देखा था, पत्रस और यूहन्ना ने भिखारी की ओर देखा,
ये शब्द वापस यहाँ पर आए, दृष्टि कर आए, घूर कर, ध्यान देकर, बिल्कुल कुछ समझने का प्रयास करते हुए उसकी ओर देखा। यहाँ पर क्या देखा मैंने, स्टेफनोस से जब वाद विवाद में या बातचीत में हार गए तो उन्होंने झूठे आरोपों को प्रस्तुत किया, और झूठे आरोपों को प्रस्तुत करने पर उसके जवाब का इंतजार करते हुए जब इन्होंने घूर कर उसे देखा, दृष्टि गढ़ा कर जब देखा तो क्या देखा, उसका मुख स्वर्गदूत का सा उन्हें दिखाई देने लगा। सातवें अध्याय के अंदर स्टेफनोस अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करेगा, और उस अध्याय के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार स्टेफनोस फिर से पवित्र आत्मा का अभिषेक में आकर यहूदियों के इतिहास को प्रस्तुत करेगा, और ये बात को उनको दिखाएगा कि कहां कहां उन्होंने गलती करी है और अब भी कहां कहां गलती कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आशा करता हूँ इस श्रृंखला का आनंद आप उठा रहे हैं, कुछ बातों को आप सीख रहे हैं, और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, इस अध्याय के अंत में मैं कहना चाहता हूँ, ये केवल बुद्धि ज्ञान ही नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने वाला ज्ञान है, ये प्रायोगिक शिक्षा है, और आपको और मुझे इसमें से बहुत कुछ सीखना है, प्रार्थना के विषय में, वचन की जरूरत के विषय में, संगति के विषय में, मुसीबतों में सही निर्णयों को लेने के विषय में, मुसीबत के अंदर कैसे पेश आना एकता में, उसके विषय में बहुत कुछ हमको सीखने को यहाँ पर मिलता है। और दस आयत में जैसे हमने सीखा किस प्रकार विरोधियों को जवाब देना है कि वो हमें नहीं हमारे अंदर मसीह को देख सके, उसको भी हमें सीखने की बहुत जरूरत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।